हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय मदान। आज मैं बात करूंगी आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ की, आपके लक को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिर्फ अगर आपको अपना लकी नंबर पता हो। लकी नंबर के लिए बेसिकली हम आपकी डेट ऑफ बर्थ पर ही काम करेंगे। आप नंबर वन है अगर, अब नंबर वन कैसे होंगे? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19th या फिर 28th ऑफ एनी मंथ, तो आप नंबर वन के हो गए। नंबर वन यानी कि सन का नंबर। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, अपने लक को बढ़ाने के लिए आपको डेली थोड़ा सा गुड़ जैगरी खाना चाहिए। ऐसा करने पर आपके सन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा। नंबर टू है अगर आप, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सेकेंड, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 11th, 20th या फिर 29th ऑफ एनी मंथ। आपका प्लैनेट जो नंबर टू को रूल करता है वो है मून। मून यानी कि इमोशंस, अपनी इमोशनल बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी को और एनहांस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना पॉसिबल हो सके रात को, यानी कि जब फुल मून नाइट हो स्पेशली तब, अदरवाइज रोज रात को इतना सा दूध फ्रिज से निकाल कर, गर्म भी नहीं कीजिएगा, ज्यादा ठंडा भी नहीं कीजिएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा सा कोल्ड मिल्क आपको चांदी के ग्लास में पीना चाहिए। ऐसा करने पर आपका मून स्ट्रांग होगा। नंबर थ्री है अगर आप, तो आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3rd को, किसी भी मंथ की 12th को, किसी भी मंथ की 21st को या 30th को हो सकता है। नंबर थ्री वालों का प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर यानी कि इनसाइट्स, जुपिटर यानी कि रिस्पेक्ट, विजडम। अगर आप में ये क्वालिटीज कम हो रही हैं या आपको लगता है इसका पूरा इफेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप येलो चीजें खाइए जैसे सैफरन, हल्दी, चना दाल, इस तरह से नेचुरल येलो चीजें आपको खानी चाहिए, बनानास। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे नंबर फोर की। नंबर फोर अगर आप हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 4th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 13th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। नंबर फोर वाले जो होते हैं ये क्विक थिंकर्स होते हैं, इनकी सोच जो है सारा खेल खेलती है। दे वेरी वेरी शार्प एंड विटी पीपल। अगर आपको लगता है आप में विटनेस की कमी हो रही है, तो आपको थोड़ी सी राहु की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए क्या करें, हफ्ते में एक बार वेंसडे के दिन आपको जौ का आटा, जौ मतलब बार्ले, आपको बार्ले किसी भी फॉर्म में हफ्ते में एक दिन खाना है, बट मेक श्योर यू ईट इट ऑन वेंसडे। नंबर फाइव है अगर आप, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 5th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ। आपका प्लैनेट है मर्करी। मर्करी यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से अगर आप लोगों को मेसमराइज नहीं कर पा रहे, आपकी बातचीत से लोग प्रभावित नहीं हो रहे, अगर आप में परसुएडिंग की, अगर आप में कॉन्फिडेंस की एक स्ट्रेंथ नहीं है, तो मर्करी वीक हो रहा है। मर्करी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे मेथी, पालक, लेटस, इस तरह की चीजें जरूर खाइए। नंबर सिक्स है अगर आप, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 6th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 15th या आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 24th ऑफ एनी मंथ। नंबर सिक्स इज वीनस। वीनस मींस करिश्मा। आप में करिश्मेटिक क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर ऐसी इनहेंसिंग पावर होनी चाहिए कि जब कोई आपके साथ बैठे तो फिर वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचे। ये अट्रैक्शन, ये मैग्नेटिज्म आप में होना चाहिए। अगर आपको लगता है आप में इसकी कमी है, तो आपके वीनस को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। वीनस यानी कि हनी। आप सुबह उठते ही एक चम्मच हनी का खाया करें। आप कर्ड खाकर भी अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 7। नंबर 7 यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7th, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 16th या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 25th ऑफ एनी मंथ। इसका प्लैनेट है केतु। आपको केतु को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। केतु यानी कि लेमन। आप खट्टा, जो ग्रीन कलर वाला खट्टा नींबू होता है, आप इमली बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका थ्रोट सेंसिटिव नहीं है तो इमली खाइए। अगर इमली नहीं खा सकते तो ब्लैक एंड व्हाइट तिल, जो तिल होते हैं जिसको हम सीसम सीड्स भी बोलते हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स करके तिल खा सकते हैं। इससे भी केतु की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके अंदर वो क्वालिटीज आती हैं जिससे आपको चीजों का पहले से आभास होने लग जाता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, आपके अंदर एक ऐसी इंसाइट आती है कि जो आप सोचेंगे उसको आप पूरा कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जो है सैटर्न का नंबर है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है 8th, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है 17th, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है 26th ऑफ एनी मंथ,
तो आपका रूलिंग नंबर है सैटर्न, एट नंबर. सैटर्न अगर आपका वीक होगा तो आपके इम्प्लॉयज आपको तंग करेंगे, आपके हाउस हेल्पर्स आपको तंग करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप में डिसिप्लिन की कमी आ जाएगी. आप सोचेंगे यार वॉक पर चलता हूँ, फिर कहेंगे अरे छोड़ो मूड नहीं हो रहा, थोड़ी लेजीनेस आ जाएगी. अगर ये सारी क्वालिटीज आ रही हैं इसका मतलब सैटर्न वीक हो रहा है. सैटर्न की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप ब्लैक दाल खा सकते हैं, जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, ब्लैक लेंटन. आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल में खाना बनवाकर खाइए, इससे सैटर्न की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी. अब हम बात करेंगे नंबर नाइन की. नंबर नाइन अगर आपका है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 9th, 18th, or 27th ऑफ एनी मंथ. नंबर नाइन का रूलिंग प्लैनेट है मार्स. मार्स यानी कि मंगल. मंगल यानी कि जो मैंने सोचा वो मैं कर लूं. मार्स में वो स्ट्रेंथ होती है, जो जो चाहे वो कर सकता है. इनकी विल पावर और इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वे इनकी स्ट्रेंथ है. इनको यूजुअली लोग दबा नहीं पाते. अगर आपके सारे आपके अंदर ये क्वालिटीज की कमी आ रही है तो मार्स की स्ट्रेंथ बढ़ाइए. मार्स रेड कलर का है तो रेड कलर के फूड प्रोडक्ट्स को खाइए. जैसे आप रेड मसूर की दाल ले सकते हैं, आप चुकंदर खा सकते हैं, आप टोमेटोज खा सकते हैं. आप रेड कलर की आइटम्स अपने फूड में बढ़ा देते हैं तो इससे मार्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप जो सोचेंगे उसे आप अकॉम्प्लिश कर पाएंगे. आई होप ये वीडियो आपके काम आ सके. और सिर्फ अपनी डाइट में कुछ चीज़ें डालने से आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपनी लाइफ को इन्हांस कर सकें.